खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां खाद्यान्न आवंटन को लेकर लगातार लोगों की शिकायतें आ रही थी, जिस पर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सख्ती दिखाते हुए अब तक 21 सेल्समैनों के खिलाफ FIR दर्ज करा चुकी है। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि खाद्यान्न आवंटन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा में हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरित करें एवं कम या ज्यादा किसी हितग्राही को खाद्यान्न वितरित न करें। अगर किसी भी सेल्समैन के खिलाफ ऐसी शिकायतें आती है तो उसके खिलाफ FIR के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने DSO एवं SO को निर्देश दिए हैं कि वह खाद्यान्न दुकानों का भौतिक सत्यापन करें एवं स्टॉक कम या ज्यादा तो नहीं है इस बात की पुष्टि करें। आइए सुनाते हैं रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। अपने यहाँ ये देखा गया है कि खाद्यान्न आवंटन को लेकर के लगातार हम लोगों के पास में शिकायतें आ रही थी। पिछले 2 महीनों से इसमें जांचें कराई गई हैं, डिटेल जांचें कराई गई हैं और ऐसे सेल्समैन को, ऐसे दुकानों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनके यहाँ या तो समय से लोगों को खाद्यान्न नहीं मिलता है या खाद्यान्न मिलता है तो पूरा नहीं मिलता है, या एक जगह हितग्राही ने इस प्रकार की शिकायत की थी हितग्राही होने की, उनसे कोई राशि ली जाती है। ऐसे केसेस को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और लगभग आज के डेट में 21 ऐसे केसेस में जो सेल्समैन है उनके विरुद्ध FIR दर्ज हुई हैं। आने वाले समय में खाद्यान्न आवंटन को लेकर के ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी दुकानदार यदि किसी भी हितग्राही को जो पात्रता की श्रेणी में आता है उनको अगर कम अनाज देते हैं, डिलेड देते हैं या नहीं देते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और खाद्यान्न आवंटन को लेकर के सभी का रुख एकदम क्लियर है कि अगर इसमें ऐसी स्थितियां बनेंगी तो हम लोग इसमें राष्ट्रपति की कार्रवाई भी करेंगे। इसके पहले भी आपने कार्रवाई की थी कई लोगों? इसमें लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। इनफैक्ट अभी DSO को, ASO और सभी जो JSO हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि वो भी 10% जो टोटल दुकानें हैं उनका भौतिक सत्यापन करें, ये देखें कि वो दुकानें कब खुल रही हैं, वहाँ के हितग्राहियों से बात करें, स्टॉक का निरीक्षण करें कि स्टॉक कितना होना चाहिए POS मशीन के आधार पे, कितना वर्तमान में उपलब्ध है, ताकि इस प्रकार के किसी भी गड़बड़ी पर रोक लगाई जा सके और आने वाले समय में ऐसी स्थितियां कहीं भी रीवा जिले में ना रहें कि कोई भी खाद्यान्न आवंटन में किसी भी हितग्राही को कोई तकलीफ हो। टोटल अभी लगभग कितने लोगों को FIR? अपने यहाँ पिछले 2 से 2.5 महीने में लगभग 21 FIR दर्ज की गई हैं और जिन लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई हैं उन सेल्समैन को भी सोसाइटीज़ ने हटा दिया है, वो अब काम नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ जांच चल रही है। अभी रास्पा की कार्रवाई तो नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है, लेकिन ऐसे जो केस हैं वो हम लोग लगातार उन पे निगाह रखे हुए हैं और टीम को भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे केस जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जिन्होंने ऐसे कोई ग्रॉस गलतियां की हुई हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनके खिलाफ ऐसे केस यदि बनते हैं तो कोर्ट में प्रस्तुत करें।